हेलो नोफैप पर जी, मेरा डे 126 है नोफैप का और मेरे को लगता है नोफैप अब तक अच्छा चल रहा है। इसी वजह से चल रहा है क्योंकि कंधों पर जिम्मेवारी थी कि अगर मैं नोफैप तोड़ दूंगा तो वीडियो कौन बनाएगा, जिम्मेवारी थी अगर मैं ही नोफैप तोड़ दूंगा तो ये लोग कैसे करेंगे। तो इन सब जिम्मेवारी के चलते मैंने नोफैप को कम्प्लीट किया है यहाँ तक। ठीक है, मेरे को बात करनी थी कि नोफैप इतना मुश्किल नहीं है। मुश्किल हमें लगता क्यों है, क्योंकि हमारे दिमाग में न्यूरोप्लास्टिसिटी हो चुकी है न्यूरॉन की। जैसे कि समझो कि आपको रोज़ शाम को 7 बजे खाना खाने की आदत है और आपको है ना 30 दिन से आप खाना खा रहे हो। अगर आप एक दिन 7 बजे खाना नहीं खाओगे उस दिन आपका दिमाग पागल हो जाएगा, बोलेगा कि अभी तो खाने का टाइम है, अभी क्या करना है, अभी तो यही करना है, तो आपका दिमाग वो हो जाएगा। जैसे कि मान लो अब आप समझ ही गए होगे कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो आपको रोज़ दोपहर में मास्टरबेशन करने की आदत है, ठीक है, अकेला पाते ही तुम ट्रिगर हो जाते हो तो तुम्हें मास्टरबेशन करने की आदत है। लेकिन अब तुम्हें यही समझना है यहाँ पर कि अगर तुम्हें ऐसा हो रहा है तो उस टाइम पे तुम्हें दूसरा काम करना होगा और अपनी ब्रेन की न्यूरॉन्स की न्यूरोप्लास्टिसिटी चेंज करनी पड़ेगी। जैसे कि समझो कि 90 दिन का नोफैप ही क्यों रखा जाता है। वो ये नहीं कहते कि 90 दिन के नोफैप के बाद तोड़ दो, वो ये कहते हैं 90 दिन तक तुम करो नोफैप, क्योंकि है ना इससे तुम्हारा जो ब्रेन में उल्टे सीधे वो बने हुए हैं ना, जैसे कि इतने बजे मेरे को करना ही करना है, हिलाना ही हिलाना है, वो सब है ना चेंज हो जाता है। ब्रेन भी है ना थोड़े दिन के बाद पुराने ख्यालों को फेड कर देता है। अभी तुम नए नए हो, तुमसे नोफैप नहीं हो रहा, ठीक है, तुम ये अनगंदी वीडियो देख रहे हो तो तुम्हारे ब्रेन में वो कहीं ना कहीं सेव है। थोड़े दिन बाद है ना वो वीडियोस ये सब फेड होने लगता है, जितना तुम आगे बढ़ोगे उतना वो फेड होने लगेगा। तो ऐसे ही नोफैप कंप्लीट होता है। अब तुमने सुना होगा इंटरमिटिंग फास्टिंग, मतलब कि व्रत रखने से क्या होता है, वही होता है ना। अगर आप हफ्ते में एक दिन व्रत रखते हो तो आपका ये समझो कि है ना एक हैबिट नहीं बन पाती, और हैबिट बनना बहुत गलत बात है, किसी गलत चीज़ की खाने की भी हैबिट बनना गलत बात है। तो इससे क्या होगा, आपके इंटरमिटिंग फास्टिंग से आप व्रत रखोगे आपकी हैबिट नहीं बन पाएगी, तो जिससे ये होगा कि आप कभी आपकी विल पावर भी मजबूत होगी कि आपको जैसे रोज़ खाना खाने की आदत है, सबसे गहरी आदत हमारी खाना खाने की होती है, और अगर हमने वही आदत को सुधार लिया तो समझो कि काम हो गया। जैसे कि मान लो आप व्रत रख रहे हो और आपने खाना नहीं खाया, मेरी बात को गहराई से समझो, ये इतनी छोटी बात लग रही है लेकिन छोटी है नहीं। आपने आज व्रत रखा, खाना नहीं खाया, तो आपके अंदर विल पावर आई कि आज मैंने खाना नहीं खाया। आपके ब्रेन को भी समझ में आया कि बिना खाना खाए भी काम चल सकता है, वैसे ही ब्रेन को ये भी समझ में आएगा बिना हिलाए एक दिन निकाला जा सकता है। फिर ऐसे ऐसे करते 2 दिन 4 दिन 90 दिन, दैट्स इट, नोफैप तुम्हारा पूरा हो गया। मैं भी इंटरमिटिंग फास्टिंग रखता हूँ, ट्यूसडे की मैं मंगलवार का व्रत रखता हूँ, खाली मैं रात को खाना खाता हूँ उस दिन और कुछ नहीं खाता, ठीक है। आपको भी ऐसे ही करना है नोफैप में कि आपको अपनी हैबिट तोड़नी है। बाकी नोफैप करते रहना, ये बहुत आसान है लेकिन थोड़ा टेक्निकल वे है।